अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, बताऊं? बोलो, बताऊं, बताऊं, बताता हूं। दो सहेली मिली, दोनों की शादी अलग अलग गांव में हो गई थी, मिली। एक सहेली ने दूसरे सहेली से पूछा, चूरी तू इतनी हट्टी कट्टी कैसी है? अरे कैसी है, जो चाहूं जब चाहूं, खाने पीने की कोई मनाही नहीं है, घर में नौकर चाकर है, काम करने का नहीं, जब चाहूं जो चाहूं वो खाने को मिलता है। फिर दूसरे पूछा, पहली से और तू इतनी दुबली पतली क्यों है, क्या तुझे खाने को नहीं मिलता? नहीं, खाने को तो मिलता है, सब कुछ मिलता है, किसी बात की कोई कमी नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। तू दुबली है, तू मोटी है, तो तू मोटी क्यों है? मोटी मैं इसलिए हूँ, विदाई के वक्त मेरी माँ ने एक सीख दी थी, उस सीख का मैं पालन कर रही हूँ, इसलिए मैं हष्ट कष्ट बढ़िया हूँ। तेरी माँ ने कोई विदाई के समय कोई सीख नहीं दी क्या? नहीं, मेरी माँ ने तो कोई सीख नहीं दी। तेरी माँ ने सीख दी थी? क्या दी थी? मेरी माँ ने कहा था, बेटी शाम को जब सोने के लिए अपने कमरे में जाओ, अपने पति के लिए एक गिलास लबालब भरा हुआ गिलास, दूध से भरा हुआ गिलास ले जाना, और दूध ऐसा वैसा नहीं, जड़ा, उसमें काजू, किशमिश, बादाम, रबड़ी वाला दूध पति के लिए ले जाना, और पति के सामने गिलास रख देना, उसी समय कोई ऐसी बात बोल देना, पति का मूड ऑफ हो जाए, और जब पति का मूड ऑफ होगा वो बोलेगा मुझे नहीं पीना दूध, और तू पी जाना। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मूल्य का कभी आकलन नहीं कर पाएगी, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा, और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी महिमा का बखान कभी नहीं कर पाएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा विवेकानंद क्यों ना हो, जब घर लौट करके आता है तो उसकी पत्नी कहती है, पप्पू के पापा तुम में तो अकल ही नहीं आई। दुनिया के बड़े से बड़े विवेकानंद की बात कर रहा हूं, जिसकी पूरी दुनिया में नाम चलता हो, रोशनी चलती है, धाक चलती हो, सारी दुनिया आदर करती हो, लेकिन जब घर पहुंचता है तो पत्नी हमेशा यही कहती है कि तुम में तो अक्ल ही नहीं आई, अब तो बड़े हो जाइए। पत्नी तुम्हारे मूल्य को कभी नहीं समझ सकती, पुत्र तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ सकता, और पड़ोसी तुम भले ही जगत गुरु क्यों ना बन जाओ, पड़ोसी कहेगा ये तो वही रामलाल है बचपन में जिसके साथ में खेला करता था। जगत गुरु बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, विश्व गुरु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, बड़े बड़े नेता, पता नहीं कुछ अभी नेता कुछ भी बन जाओ, लेकिन पड़ोसी के लिए तुम वही रहोगे, वो तुम्हें उतना मान सम्मान आदर नहीं दे सकता जितना दुनिया देती है, जितने के दूसरे लोग देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पत्नी, पड़ोसी और पुत्र तुम्हारे मूल्य का आकलन नहीं कर सकते। तो मंत्री ने कहा, महाराज दुनिया को तो जीत लिया है, लेकिन अभी घर वालों को जीतना बाकी है। तो चक्रवर्ती भरत ने कहा, फिर देर किस बात की है, सबके लिए मेरा संदेश भिजवा दिया जाए कि आकर के मेरी आधीनता स्वीकार करे, मेरे सभी भाइयों पर संदेश भेजे जाए। सभी भाइयों पर संदेश भेजे गए, 99 भाइयों ने यह देख करके कि जिस राज्य को हमें भगवान ऋषभदेव ने दिया था, हमारे पिता ने दिया था, हमारा भाई उसे हड़पना चाहता है, उन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया और ऋषभ देव के पास जाकर के दीक्षित हो गए। लेकिन जब भगवान बाहुबली के पास ये संदेश पहुंचता है कि चल करके भरत को नमन करो और आधीनता स्वीकार करो।